वहीं राजधानी दिल्ली में नीट और नेट जैसे राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम में धांधली मामले के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के समर्थक पहुंचे और नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इसी बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों से हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। लेके यूथ कांग्रेस आज जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाए किस तरह से जो यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, जो नीट परीक्षा में धांधली को लेके यहाँ पे लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे अपनी मांगों को लेके यहाँ पे नारे लगाते हुए नजर। जैसा कि इनके हाथों में देखेंगे तो यहाँ पे बैनर हुआ है कि जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेके वो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना, क्या कहेंगी आप? प्रोटेस्ट कर रही हैं नीट परीक्षा में जिस तरह से चीटिंग हुई है उसको लेके आप? हम तो ये कहेंगे सरकार से कि फिर से परीक्षा कराई जाए और ये जो पेपर लीक सरकार है इसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है और हर साल लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तो हमारी सरकार से ये विनती है, गुजारिश रहेगी कि पेपर को दोबारा किया जाए, रीनीट होना चाहिए और जिन्होंने ये कांड किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सब देखा जाए तो 24 लाख से बच्चे ही नहीं होते, उनके माँ बाप भी, उनके पेरेंट्स भी होते हैं जो इस परीक्षा में उनका साथ देते, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, तो क्या लगता है आपको? मैं ये सोच रही हूँ कि जो माँ बाप इतनी मजबूरी में बच्चों को पालते हैं, अपना घर बेच के, अपने खेतों को बेच के उनकी फीस भरते हैं, उनको भी मुआवजा देना चाहिए सरकार को, क्योंकि बच्चा पढ़ के जाता है। एससी एसटी तबके का सबसे ज्यादा बच्चा है, जो सरकारी परीक्षा रहता है, डॉक्टर की परीक्षा रहता है, उसके ऊपर लगातार अभी आपने देखा है पिछले कुछ महीनों में भी पेपर लीक कांड हुआ था यूपी में और काफी राज्यों में। तो सरकार से ये यूथ कांग्रेस द्वारा जो आयोजन हो रहा है ये आगाज है कि अगर ये परीक्षा नहीं हुई तो लगातार युवाओं की आवाज उठाएगा यूथ कांग्रेस। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, जिस तरह से आप संसद का घेराव करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा रोक दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? नहीं, हम पीछे डरने वाले नहीं है दिल्ली पुलिस से, हम लगातार युवाओं की आवाज उठाते आए हैं और हम पुलिस से डरने वाले नहीं है। पुलिस का बंदोबस्त बहुत सख्त है लेकिन यह युवाओं को देखिए, पूरे देश से युवा आए हैं, जोश देखिए युवाओं का, तो आज आप खुद दिखाइएगा। और मेरा तो गुजारिश है प्राइवेट चैनलों से कि ये भीड़ और ये हुजूम युवा की ताकत आपको दिखानी है ताकि संसद में ये आवाज पहुंचे। मैं हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नीट पेपर में जो धांधली हुई जिसको लेके आज वो लगातार यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। मैम क्या कहेंगी आप? देखिए, जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के ऊपर कुठाराघात हो रहा है उससे देख उसको देख के लगता है कि देश का युवा का भविष्य अंधकार में है, तो हमारा यही ध्येय है कि भारतीय युवा कांग्रेस युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेगी। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने धांधली करके ये पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इस तरीके से पेपर लीक नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता में आता है। और हमारा युवा कांग्रेस हर विधानसभा लेवल पर, हर राज्य में जाके प्रदर्शन करेगी और युवाओं की आवाज उठाएगी पुरजोर तरीके से। शिक्षा मंत्री ने इस पे जो है क्लीन चिट दे दिया था, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो आप लोगों को भी पता है कि कोई क्लीन चिट कैसे दे सकता है, साफ साफ दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है, युवाओं का भविष्य गर्द में है। अगर उन्होंने ये क्लीन चिट दिया तो ये उनके दिमाग का दिवालियापन मैं कहूंगी। जिस तरह से नीट पेपर में कोई धांधली को लेकर जो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने इस पे क्लीन चिट दिया वो बिल्कुल भी गलत है। और यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदुमन सिंह है। कहाँ से आए हो? मैं झांसी से आया हूँ। नीट परीक्षा को लेके आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक छात्र तैयारी करता है तो वो अकेला छात्र तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार तैयारी करता है, उसके सहयोगी तैयारी करते हैं, उसके दोस्त यार सब तैयारी करते हैं। और जब पेपर रद्द हो जाता है
तो उस छात्र के अकेले अरमानों का गला नहीं घोटा जाता, उसके परिवार के अरमानों का गला घोट दिया जाता है, उसके सगे संबंधियों के अरमानों का गला घोट दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसको रोकना चाहिए और मैं मोदी सरकार को चेताने के लिए आया हूँ यहाँ जंतर मंतर पर। और युवा कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस आज मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेगी, जिससे कि उनको चेताने का काम हम लोग करेंगे। 24 लाख जो सिर्फ बच्चे ही नहीं होते, उनका परिवार भी जो होता है उनके साथ पूरा शामिल रहता है, जिस तरह से वो बच्चे नीट परीक्षा की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो काफ़ी मेहनत का काम होता है, दुनिया से दूर रहते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो क्या लगता है ऐसे में उस पर क्या बीतती होगी जिस तरह से ये पता चलता है कि कोई और जो है चीटिंग करके पास होता है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि देखते हैं कि एक छात्र अपने पूरे परिवार से दूर होकर कहीं इलाहाबाद दिल्ली रहकर अपना पढ़ाई करता है और उसका और रद्द पेपर रद्द कर दिए जाते हैं, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है एक छात्र ही समझ सकता है। हम लोग युवा हैं, हम लोग युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और भारतीय युवा कांग्रेस युवाओं के लिए हमेशा संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी। उनका कहना है कि नीट परीक्षा को दोबारा कराया जाए, इसके साथ ही जिस तरह से बीजेपी सरकार की नाकामियों को यहाँ पे गिनाते हुए नजर आ रही है, देखना यह रहेगा कि आगरा नीट परीक्षा में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, आगे क्या कुछ इनके कदम रहते हैं। एमके न्यूज़ के लिए दिल्ली से लेके यूथ कांग्रेस आज